प्रांजलि टीवी के अपडेट्स तुरंत पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करके अपना अपना देते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल प्रांजलि टीवी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जून महीने के राशिफल की। आपको बता दें कि इस राशिफल को अगर आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो अधिक सटीक रहेगा। ध्यान रहे कि यह राशिफल ग्रह गोचर पर आधारित है और व्यक्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी दशा और जन्मकालीन ग्रहों का पड़ता है। यानी अत्यधिक सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। लगे हाथ यह भी स्पष्ट कर दें कि हमारे यहां पर मिलने वाली व्यक्तिगत सलाह निःशुल्क नहीं है। अगर आप सशुल्क व सही सलाह चाहते हैं तो वीडियो में दिखाए जा रहे नंबर, जो कि आपको हमारे कवर पेज पर भी मिल जाएगा मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, उस पर कॉल करके अपना समय निर्धारित करवा सकते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले चर्चा कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में स्थित राहु शनि के नक्षत्र में रहेगा और शनि छठे भाव में है। इस महीने क्रोध की भी अधिकता रह सकती है। यदि गर्मी वाले प्रदेशों में आप रह रहे हैं, यानी जहां लू इत्यादि का खतरा है, तो इस महीने लू या बुखार का थोड़ा सा भय रहेगा। शिक्षा के लिए सामान्यतः यह महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध इस महीने गोचर जो करेगा वो लाभ और व्यय भाव में प्रथम भाव में करेगा, जो आपको अच्छे ही परिणाम देगा। उच्च शिक्षा का कारक गुरु अपने ही नक्षत्र में रहेगा, यह भी एक अच्छा संकेत है। चतुर्थेश शुक्र शुरुआती दिनों में द्वादश भाव में रहेगा, यानी अपने घर से दूर रहने वाले जो विद्यार्थी हैं या जो दूर रहकर शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से और भी अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। काम धंधे के लिए महीना अच्छा है। दशमेश मंगल उच्च का रहेगा और दशम भाव को देखेगा भी, साथ ही नवमेश बृहस्पति कर्म स्थान पर भी प्रभाव डालेगा, अतः काम धंधे में अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। मासांत में व्यापारियों को सावधानी पूर्वक नई पूंजी लगाने की जरूरत रहेगी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपका लाभेश शुक्र इस महीने द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेगा, वहीं धनेश सूर्य लाभ और व्यय भाव में गोचर करेगा। इन गोचरों से ऐसा लग रहा है कि सामान्य तौर पर आपकी अर्थव्यवस्था इस महीने अच्छी रहने वाली है। अलबत्ता इस बीच कुछ अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था संतोषप्रद बनी रहेगी। निजी संबंधों के लिए महीना अच्छा है। पंचमेश का उच्च का होना सकारात्मक परिणाम मिलने का द्योतक है, लेकिन सप्तम भाव में मंगल केतु की जो युति बन रही है और सप्तमेश शनि का छठे भाव में जो होना है, ये विवाहित लोगों को कभी कभार कुछ असंतोष दे सकता है, अथवा जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल, लेकिन वैवाहिक मामलों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। भाग्य स्टार्स की बात करें तो इस महीने आपको 5 में से 3 स्टार्स मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको दूध अथवा दूध की उपलब्धता ना हो तो जल से भी रुद्राभिषेक करें अथवा करवाएं, साथ ही नियमित रूप से शिव जी की पूजा उपासना करते रहें। ईश्वर करे आपका यह महीना काफी अच्छा जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।